वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को खत लिख दिया। खत की कॉपी एक्सप्रेस न्यूज को मौसूल हो गई। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अकील अफसल से। जी अकील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म वाक़े के बाद जो इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान हुकूमत के हुकूमती अहदेदारों और इदारों के मुख्तलिफ सरबराहान पर जो इल्जाम लगाए गए थे, उसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिख दिया है, जिसमें जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। और खत में ये भी कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की ये इस्तदा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बनाकर इस मामले की तहकीकात करवाएं। इस खत के अंदर बुनियादी तौर पर 5 सवाल जो हैं वो अदालत के सामने रखे गए हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी थी जो इमरान खान के काफिले को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदार थी, और क्या आया कि उस सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो इकदाम थे काफिले को तहफ़ देने के लिए वो तमाम SOP के मुताबिक उठा रखे थे। दूसरा बहुत अहम सवाल है जो कि हर जुबान पर है, वो सवाल ये है कि इस वाक़े के हकायक क्या थे। इस वाक़े में के बाद मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ शूटर्स थे और मुख्तलिफ जख्मियों की मुख्तलिफ तादाद जो है वो बताई जा रही है। तो इमरान खान अकील अफजल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।